तो होवत वही जो राम रची राखा, राम को कोई नहीं रोक सकता। अब तो रामलला आ ही गए हैं। देखिए मेरे साथ यहाँ पर मिथिलांचल से यानी कि उनके ससुराल से कुछ लोग मौजूद हैं। प्रभु श्री राम आपके क्या हुए? जीजा। जीजा जी हुए, तो प्यार से आप प्रभु श्री राम को क्या कहते हैं? जीजा जी कहते हैं और सीता बहन है। सीता बहन है आपकी। तो देखिए आप तो रामलला आ ही गए हैं, तो कुछ सुनाइए मिथिलांचली में। कमल नयन श्री राम का तो देखिए राम धुन आपको हर गली हर कूचे में अयोध्या के सुनाई देगी। लेकिन देखिए दूर दूर से जो लोग हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम को कुछ जितना उनसे बन सकता है प्रभु श्री राम के चरणों पर भेंट देने के लिए वो पहुंच रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो प्रतिदिन देखिए, लेकिन इस बीच देखिए राम मंदिर को लेकर लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से राम धुन आपको सुनाई दे रही होगी। गणपति जी आए इस मेले में, गणपति जी आए, गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए, गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। कोई न आया अकेला, गणपति जी आए अकेला, यहाँ कोई न आया। राम धुन और राम भजन आपको तो सुनाई दे रहे होंगे, अयोध्या में ही नहीं अब देश भर में इसी तरीके से राम धुन सुनाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से आई हैं। बहुत दूर से आई हैं। हो गए रामलला के दर्शन? अच्छा लगा? बहुत मस्त लगा। अच्छा कभी स्मरण किया था कि आप ऐसे रामलला को नव्य भव्य मंदिर में देखेंगे? ना, कभी नहीं सोचा था। आप कहाँ से आए? मुंबई से। साथ में? मुंबई से साथ में आए। अच्छा आप दर्शन हो गए? अच्छे से हो गए? अच्छे से दर्शन हो गए। सुबह सुबह 5 बजे हम लोग 6 बजे लाइन लगाए थे। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत मस्त, अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा आप कहाँ से आए? कोई संकल्प आपने लिया है? जी 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 दीदी सादर जय श्री राम जी। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, माँ चंद्रिका धाम से। क्या संकल्प लिया है? संकल्प मेरा था कि सन 2014 से ही कि प्रतिदिन मैं सुंदरकांड का पाठ करता था सामूहिक रूप से। एक संगठन भी बना था भारतीय जन सेवा संघ, लेकिन उसमें से सब कोई संकल्प सुना दीजिए प्रभु श्री राम के लिए। रामलला के लिए सादर समर्पित। शांतम शाश्वत सप्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु पणिंद से विमनिषम वेदांत वेद्यम विहुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं माया मानुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणिं। आस्था के सागर में हर कोई राम भक्त जो है कुछ ना कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण करना चाहता है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सारा सपना सच हो गया। आपके चेहरे पे तो अलग रौनक, अलग खुशी नजर आ रही है। सपना था बहुत बड़ा आने का और आगे देखिए। अच्छा इससे पहले आए आप? नहीं इससे पहले नहीं आया। अच्छा, कैसा बदला सा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ राम राम, रिक्शा वाला राम राम, ऑटो वाला राम राम, सबके कण में राम 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 राम। मेरी कुटिया के भागज खुल जाएंगे, राम आएंगे सजा दो घर गुलशन सा, मेरे श्री राम आए। बिल्कुल देखिए श्री राम आ चुके हैं परिसर में। माता जी कहाँ से आई हैं? नेपाल बाबा।
नेपाल से आई हैं आप तो, प्रभु श्री राम के घर से ही आई हैं आप तो, नेपाल से आई हैं। आप कहाँ से आई? नेपाल। आप भी नेपाल से आई? बहुत खुश नजर आ रही हैं। कैसा लगे दर्शन? बढ़िया। राम मंदिर गए आप लोग? गए थे। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, बहुत ठंड भी है यहाँ पर, व्यवस्थाएं सही है? आप लोग सभी आए हैं क्या? नेपाल है। अच्छा, अच्छा लग रहा है अयोध्या? एकदम बहुत अच्छा है। अच्छा, बदला बदला सा एकदम? हाँ। अच्छा, 22 जनवरी को नेपाल में क्या खास तैयारियां है? ठीक है, ठीक है। दीपोत्सव मनाएंगे आप लोग, दीप जलाएंगे? अच्छा, आप कहाँ से? आप भी नेपाल से हैं? नेपाल से आएगा। देखिए, नेपाल से यहाँ पर जनकपुर से पहुँचे हुए हैं कई राम भक्त और कुछ और राम भक्त। अच्छा, आप ठीक है, मोनिका आ रहे हैं आपके पास में। हम अपने दर्शकों को हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में राम मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें आखिरी जो फिनिशिंग वर्क है उसको किया जा रहा है, जो लाइटिंग होगी उसको कम्प्लीट किया जा रहा है, क्योंकि इतने सारे संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो सीसीटीवी कैमरेज ये सभी चीजें वहां पर कम्प्लीट की जा रही हैं। आप ये न्यूज 18 इंडिया पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, जहां एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर सामने आई जब मंदिर के अंदर लाइटिंग का काम पूरा किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मजदूर जो आखिरी काम है, जो नक्काशी की जा रही है, जो देवी देवता उकेरे गए हैं पिलर्स पर, वो देखिए साफ सफाई की जा रही है। और ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी आवाज कम करके आपको आवाज इस वीडियो की सुनवाती हूँ। कुछ भजन भी आपको सुनाई देंगे, यानी कि अंदर राम धुन भी बज रही है, तो ऑडियो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आया है राम मंदिर के अंदर से, एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, ये किसी और चैनल पर आप नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर, जहां आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, वायरिंग कंप्लीट की जा रही है, मजदूर लगे हुए हैं, जो पिलर्स बने हुए हैं उन पर जो देवी देवता उकेरे गए हैं उनको और साफ करते हुए, उनकी फिनिशिंग का वर्क पूरा करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसी के साथ में आज जो है मंदिर में जो मूर्ति आई है वो अभी आंगन में रखी हुई है, मूर्ति आज 12:45 पर गर्भगृह में रख दी जाएगी। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई ईरान पर की और ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है, उसने पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अब तक के इस खबर की ना तो पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है और ना ही ईरान की ओर से। हालांकि मीडिया के हवाले से ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया। इससे पहले ईरान ने कुछ आतंकी संगठनों के इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के इलाके में बड़ा हमला किया था।